आज हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन। ना ही मावा चाहिए, ना ही मिल्क पाउडर चाहिए और बहुत ही टेस्टी ये गुलाब जामुन बनके रेडी होने वाला है। तो चलिए देखते हैं ये गुलाब जामुन किस चीज से बनने वाला है और इतना ज्यादा टेस्टी बनेगा कि आपको यकीन भी नहीं होगा। और आप लोग मेरे कपड़े पे बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि हम जब खाना बनाते हैं या कोई काम करते हैं ना, तो अपने आपको पूरा भींगा लेते हैं। बहुत ही टेस्टी ये बनके रेडी हुआ है, आपको देख के ही समझ में आ गया। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं प्रियंका, प्रियंका डीसी यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग को दिल से शुक्रिया था मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए और अपना इंपॉर्टेंट टाइम देकर मेरा वीडियो देखने के लिए। तो आज जो हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन ना, वो ब्रेड से बनाने वाले हैं। जी हाँ, अगर आपके घर पे मेहमान आ जाते हैं, आप झटपट बनाना चाहते हैं कोई रेसिपी, तो आप ये ब्रेड का गुलाब जामुन जरूर ट्राई करिएगा। इसके लिए पहले चाशनी बना लेते हैं। एक कप चीनी लेना है, आधा कप पानी डालना है, थोड़ा सा डालेंगे इसमें कलर। कलर की जगह पे आप केसरी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं या केसर के दाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरह चाशनी को पकड़े देंगे, यहाँ पे ब्रेड ले लेंगे। ब्रेड के जो नीचे का बिल्कुल कॉर्नर है ना, वो कट कर लेंगे, जो इसमें आपको दिख रहा होगा ये पार्ट। इसको कट करके इससे हटाया जाता है ताकि हमारा जो गुलाब जामुन है बिल्कुल व्हाइट व्हाइट दिखे। आप चाहें तो इसको डाल भी सकते हैं, पर थोड़ा सा ये हार्ड होता है तो इतना अच्छा नहीं है, हम बिल्कुल आपको कहेंगे नहीं डालने के लिए। तो ये देखिए, पहले इसको इस तरह से अच्छे से कट कर लेंगे, सबको साइड में रख लेंगे और ब्रेड के टुकड़े को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लेंगे। इसमें हमें थोड़ा सा दूध चाहिए, क्योंकि ज्यादा दूध बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि ब्रेड बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। 3 से 4 चम्मच दूध में ये बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। पर आप लोग से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है और मेरी शिकायत भी है कि आप लोग मेरे वीडियो तो देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज ऐसा मत करिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत जाता है वीडियो शूट करने में। हमारा चाशनी भी बनकर रेडी हो गया, उसको रख दिया साइड में। और दूध डालने के बाद कुछ हमारा इस तरह का आपको मिश्रण दिख रहा है, बिल्कुल इसी तरह का रखना है। इससे ज्यादा गीला आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर इससे ज्यादा गीला कर दिए तो फिर जो है आपका गुलाब जामुन है वो अच्छा नहीं बनेगा। इसमें डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर, इसलिए डालेंगे ताकि ये बिल्कुल मावा जैसा इसका टेस्ट आए। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं या विदाउट मिल्क पाउडर का भी बना सकते हैं। पर मिल्क पाउडर इसलिए डालिएगा, हम आपको सजेस्ट करेंगे, इससे जो है टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद हाथ को अच्छे से पहले धो लेंगे फिर से, क्योंकि हाथ चिपचिपा हो जाता है। उसके बाद आपको गोल गोल बिल्कुल इसका लोई बना लेना है। ऐसा नहीं बनाना है कि इसमें क्रेक रहे, ऐसा बनाना है कि बिल्कुल सॉफ्ट रहे, इसमें कोई क्रेक न रहे, जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देखिए, हमारा तेल भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। कढ़ाई में गर्म गर्म तेल में आपको एक एक करके डालना है। बहुत ज्यादा तेल गर्म नहीं होना चाहिए, हमारा जो तेल है वो बिल्कुल मीडियम गर्म होना चाहिए। बहुत ज्यादा तेल गर्म रहेगा तो हमारा जो गुलाब जामुन है अंदर से पकेगा नहीं और उसका कलर बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मीडियम फ्लेम पे इसे पकाइएगा तो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बढ़िया से पकेगा और बहुत ही प्यारा एक कलर भी इसका आएगा, आप देख लीजिएगा। और ये अपने साइज में जो है ना डबल भी हो जाएगा, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए, जैसे हम लोग बनाए थे ना उसी साइज में ये डबल हो गया, बहुत ही अच्छे से ये पक रहा है, इसका बहुत ही प्यारा कलर भी आ गया, आप देख के ही समझ गए होंगे। इसी तरह से सारे गुलाब जामुन को आपको बना के रेडी कर लेना है। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों के साथ शेयर किए थे सूजी से गुलाब जामुन आप घर पे कैसे बना सकते हैं, अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रियंका डीसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। ऐसे तो आप लोगों के साथ बहुत सारा स्वीट का रेसिपी शेयर कर रहे हैं, तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसका लाभ उठाइए। हमारा चाशनी भी बिल्कुल रेडी हो गया है, तो सारा जो है गुलाब जामुन को निकालते जाएंगे और चाशनी में डालते जाएंगे। तो ये देखिए, हमारा कितना प्यारा कलर आया हुआ है गुलाब जामुन में। सबको चाशनी में डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ढक के छोड़ देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि हमारा जो गुलाब जामुन है अच्छे से अपने अंदर जो है रस को अब्सॉर्ब कर पाए चाशनी को। आप चाहें अगर तुरंत इसको सर्व करना चाहते हैं तो 5 से 10 मिनट रुक जाइए, इसके बाद भी ये बिल्कुल रेडी रहेगा। तो ये देखिए, हमारा गुलाब जामुन जो है उसका क्वांटिटी आपको डबल लग रहा होगा और इसको ढक के हम छोड़ देते हैं, तो ये 1 घंटा हो गया है और 1 घंटा के बाद ही इसे हम सर्व कर रहे हैं। आप चाहे इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। और ये देखिए, सबसे बड़ी बात इसका कितना प्यारा कलर आया और कितने अंदर से अपने अंदर जो है चाशनी ऑब्जॉर्ब किया हमारा गुलाब जामुन। तो इस तरह से गुलाब जामुन बनाइएगा ना, तो पहली बार भी अगर आप बना रहे हैं ना, फिर भी आपका फेल नहीं होगा, यकीन नहीं होता, तो एक बार बना के जरूर ट्राई करिएगा। और ये देखिए कितना टेस्टी और यम्मी लग रहा है, आ रहा है ना आपके मुंह में पानी। तो चलिए इसे हम लोग ट्राई करते हैं और खा के देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। और ये देखिए कितने अच्छे से ये पका हुआ है, पूरा अंदर से जूसी हमारा गुलाब जामुन बना हुआ है। तो एक बार इस तरह से जरूर ट्राई करिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने प्रियंका डीसी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरह डेली नए नए कुकिंग का वीडियो सीखने के लिए। अगर कोई और भी कुकिंग का वीडियो सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं कि हमारा जो गुलाब जामुन है वो कैसा बनकर रेडी हुआ है। और आप देख सकते हैं बहुत ही अंदर से इसमें जूस जो है गया हुआ है, जूसी गुलाब जामुन हमारा बना हुआ है। तो एक बार इस तरह से जरूर ट्राई करिएगा, इसको हम टेस्ट करके भी आपको बताते हैं। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है और सॉफ्ट बनता है, कोई खा के ये नहीं कह सकता है कि आप इसे मावा से नहीं बनाया है। अगर आप झटपट इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो ये गुलाब जामुन का रेसिपी जरूर ट्राई करिए।